तो वेलकम गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो ये सिंपल एक बेसिक सी वीडियो होने वाले कि आप अपनी GTA 5 को कैसे मोड कर सकते हो, अपनी GTA 5 के अंदर आप कैसे इजिली मोड को इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी एरर। तो गाइस कि आप अपनी GTA 5 के अंदर मोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वो भी गाइस आपको मैं बताऊंगा। तो गाइस उसके लिए पहले तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइस ये जो वीडियो है गाइस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्यों गाइस इसके अंदर मैं बेसिक से बेसिक आपको चीजें बताऊंगा कि आप अपनी GTA 5 को कैसे इजिली मोड कर सकते हो। अगर गाइस आप इस को स्किप कर देते तो गाइस आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की है, क्यों गाइस कल मींस गाइस आ जाएगा 1st of January, देन 2nd of January, जहां गाइस 3rd January को मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर की मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर अपनी GTA 5 को कैसे मोड कर सकते हो, जो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कल या गाइस परसों वाली वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको वो 2 से 3 मिनट के अंदर बता दूंगा और आपकी जो गेम है वो मोड हो जाएगी, जैसे कि गाइस आप आज इस वीडियो को देखकर अपनी GTA 5 को मोड करोगे। तो चलो गाइस अभी हम जल्दी से हमारी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस उसके लिए हम चलते हैं हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी GTA 5 को कैसे मोड करना है। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस अगर आपको अपनी GTA 5 को मोड करना है तो गाइस उसके लिए आपको कुछ फाइल्स की जरूरत पड़ने वाली है। गाइस एक है गाइस हमारी मीनू पीसी सिंगल प्लेयर ट्रेनर, देन गाइस हमारा स्क्रिप्टुक वी, उसके बाद गाइस हमारा स्क्रिप्टुक V.net, देन गाइस हमारा नेटिव UI, उसके बाद हमारा गाइस पैक लिम्ट एडजस्टर, इससे गाइस आपकी जो गेम है गाइस क्रैश नहीं होने वाली है, देन हमारा हीप एडजस्टर, इससे भी गाइस जो आपकी गेम क्रैश हो जाती है मोडिंग के बाद वो नहीं होगी, देन गाइस हमारा लेमन UI, उसके बाद गाइस हमारा मेन सॉफ्टवेयर जो कि हमारा OpenIV, जिससे कि हमारी GTA 5 के अंदर गाइस कोई भी मोड को इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है GTA 5 की मोडिंग के लिए। उसके बाद है गाइस हमारी गेम कॉन्फ़िग, जब आप मोड को इंस्टॉल कर लेते हो आपको गेम कॉन्फ़िग की जरूरत पड़ती है, क्यों गाइस जो आपके मोड्स है गाइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी जो गेम की लोडिंग स्क्रीन पर भी आपकी गेम है जो क्रैश हो सकती है, वरना गाइस आपको इन्फिनिटी तक लोडिंग स्क्रीन दिखती है जिससे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो गाइस उसको फिक्स करने के लिए हमारी जो गेम कॉन्फ़िग है हमको मदद करती है। तो गाइस सिंपली आपको इन सभी के सभी फाइलों का डाउनलोड लिंक है वो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। गाइस आपको 1 by 1 इन फाइलों को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस अभी मैं बताता हूं कि आपको इन फाइलों को इंस्टॉल कैसे करना है। तो गाइस ये रही हमारी सभी की सभी फाइल जो कि मैंने डाउन कर लिया। दूसरी तरफ है गाइस हमारी GTA 5 की डायरेक्टरी जिसके अंदर गाइस फिलहाल अभी कोई भी मोड नहीं, क्योंकि गाइस मैंने वीडियो के लिए सभी की सभी मोड्स को अनइंस्टॉल कर दिया। ये हमारी बिल्कुल न्यू GTA 5 की डायरेक्टरी है जिसके अंदर गाइस सिंगल एक भी मोड नहीं है। तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको इसके अंदर मोड्स को कैसे इंस्टॉल करना है। अभी हम इंस्टॉल करेंगे 3 हमारे बेसिक्स मोड जो कि गाइस हमारा स्क्रिप्टुक वी, उसके बाद स्क्रिप्टुक V.net, देन गाइस हमारा मीनू ट्रेनर। तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्रिप्टुक वी को इंस्टॉल। तो सिंपली आपको रार फाइल मिल गई, इसको आपको ओपन कर लेना है, देन इसके अंदर गाइस आपको बिन के अंदर चले आना है, देन गाइस इधर आपको गाइस पहले वाली फाइल दिख जाएगी dinput8.dl, देन गाइस आपको नीचे दिख जाएगी स्क्रिप्टुक V.dl। सिंपली आपको दोनों फाइलों को गाइस सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको GTA 5 की डायरेक्टरी के अंदर इनको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, देन गाइस आपको रार फाइल को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको गाइस scriptuk.net का जो रार फाइल है सिंपली उसको ओपन कर लेना है, देन गाइस इसके अंदर आपको जो दो फाइल्स हैं पहले वाली सिंपली इनको आपको गाइस डिलीट कर देना है, देन गाइस अभी आपको नीचे जितनी भी इधर फाइल दिख रहे हैं सभी को गाइस आपको सिलेक्ट कर अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, देन गाइस आपको इस रार फाइल को भी क्लोज कर देना है। उसके बाद गाइस हम मीनू ट्रेनर को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो गाइस उसके लिए आपको मीनू SP की रार फाइल है सिंपली उसको ओपन कर लेना है, देन गाइस इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा मीनू स्टफ, देन गाइस आपको तीसरे नंबर पर एक फाइल मिल जाएगी mino.asi, सिंपली इन दोनों को आपको गाइस सिलेक्ट कर लेना है, देन इनको भी आपको अपनी मेन डायरेक्टरी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, देन गाइस आपको इसको क्लोज कर देना है। तो गाइस अभी हम इंस्टॉल करेंगे हीप एडजस्टर, देन पैक फाइल लिम्ट एडजस्टर। तो गाइस इनको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको पहले तो हीप एडजस्टर की जो रार फाइल है सिंपली उसको ओपन कर लेना है, देन इसके अंदर गाइस आपको दो फाइल्स मिल जाएंगे, सिंपली आपको इनको सिलेक्ट कर लेना है, देन गाइस इनको भी आपको अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, देन गाइस आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद गाइस आपको पैक लिम्ट एडजस्टर की जो रार फाइल है सिंपली उसको ओपन कर लेनी है, देन इसके अंदर गाइस आपको 3 फाइलें मिल जाएंगी, गाइस नीचे वाली तो हमारी रीड में इसको आपको छोड़ देना है, देन आपको जो पहले 2 मिल जाएंगे सिंपली इनको आपको गाइस सेलेक्ट कर लेना है, देन इनको आपको अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, देन गाइस आपको इस रार फाइल को भी क्लोज कर देना है। तो गाइस अभी हमने हमारी GTA 5 के अंदर जो बेसिक्स मोड थे वो तो इंस्टॉल कर लिए, देन गाइस हमने हमारे जो 2 क्रैश फिक्स के मोड थे वो भी हमने इंस्टॉल कर लिए जो कि हमारे हीप एडजस्टर देन पैक फाइल लिम्ट एडजस्टर। तो गाइस अभी हम हमारी GTA 5 के अंदर स्क्रिप्ट्स के जो मोड्स आते हैं उनको इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि गाइस हमारा नेटिव UI देन हमारा लेमन UI। तो गाइस इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर गाइस एक फोल्डर को क्रिएट करना पड़ेगा स्क्रिप्ट्स के नेम का। तो गाइस उस फोल्डर को आपको क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी के अंदर राइट क्लिक कर न्यू के अंदर फोल्डर के अंदर क्लिक कर देना है, देन गाइस इधर आपको टाइप कर देना स्क्रिप्ट्स। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने स्क्रिप्ट्स को टाइप कर दिया, देन गाइस आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो गाइस देन
आपको स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर चले आना है। उसके बाद गाइस आपको इधर दिख जाएगा रिलीज डे, गाइस हमारा नेटिव यूआई की रार फाइल है, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। देन गाइस इसके अंदर आपको फाइल मिल जाएगी नेटिव यूआई डॉट डीएल, इसको आपको सिंपली स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। देन गाइस आपको इस रार फाइल को क्लोज कर देना है। उसके बाद गाइस आपको अपना लेमन यूआई का रार फाइल ओपन कर लेनी है। देन गाइस आपको इधर नीचे से सेकंड नंबर पर एक फोल्डर मिल जाएगा, ये रहा गाइस, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। देन गाइस इसके अंदर आपको गाइस तीन फाइलें मिल जाएंगे, सिंपली इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। देन गाइस आपको इस रार फाइल को भी क्लोज कर देना है। तो गाइस अभी हमने हमारी GTA 5 के अंदर जो बेसिक्स मोड थे, देन हमारे क्रैशेस के मोड थे, देन हमारे जो स्क्रिप्ट्स के मोड थे, उनको गाइस हमने इंस्टॉल कर लिया। तो गाइस अभी हम हमारे मेन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि गाइस हमारा ओपन आईवी है। तो गाइस सिंपली इसको आपको इंस्टॉल करने के लिए गाइस आपको डबल क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस इधर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको अपना इंटरनेट से आपको अपने पीसी को कनेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपकी जो 20 MB की फाइल डाउनलोड होगी, देन आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जो भी हमारी 20 MB की फाइल है वो फिलहाल डाउनलोड लिए, मेरा गाइस इंटरनेट स्लो है इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। तो गाइस जो हमारी डाउनलोडिंग थी वो गाइस कंप्लीट हो चुकी है, और गाइस हमारा जो ओपन आईवी है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। देन गाइस आपको सिंपली क्लोज के बटन पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी को क्लोज कर देना है। देन गाइस अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं हमारी गाइस गेम कॉन्फिग की फाइल। तो गाइस उसके लिए हमको ओपन आईवी चाहिए होगा, जो कि अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस सिंपली आपको ओपन आईवी को गाइस ओपन कर लेना है। देन गाइस आपको विंडोज पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी है सिंपली उसको गाइस लोकेट करना है। गाइस उसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जो मेरी GTA 5 की डायरेक्टरी है मैं उसको जल्दी से लोकेट कर लेता हूं। देन गाइस आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन गाइस जो हमारा ओपन है वो फिलहाल लोड लेगा, हमारी GTA 5 की डायरेक्टरी को अभी लोड कर रहा है। तो गाइस जो हमारा ओपन है वो गाइस ओपन हो चुका है। देन गाइस आपको सबसे पहले एडिट मोड को ऑन कर लेना है। देन गाइस आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस इधर आपको दिख जाएगा ASI मैनेजर, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन इधर गाइस आपको जितने भी फाइल्स मिल जाए सबको गाइस आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस मैंने सभी की सभी फाइल्स को इंस्टॉल कर लिया। देन गाइस आप क्लोज के बटन पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस इधर आपको अपडेट के फोल्डर के अंदर चले आना है। देन इधर गाइस आपको update.rpf के अंदर चले आना है। देन इधर गाइस आपको एक ऑप्शन दिख जाएगी कॉपी टू मोड फोल्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस अभी जो हमारा update.rpf है वो गाइस हमारे मोड्स के फोल्डर के अंदर सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। तो गाइस आप देख भी सकते हो, ये रहा गाइस हमारा मोड्स का फोल्डर, इसके अंदर अपडेट का फोल्डर आ चुका है। देन इसके अंदर हमारा update.rpf आ चुका है। देन सिंपली गाइस आपको update.rpf के अंदर चले आना है। देन गाइस आपको कॉमन के अंदर चले आना है। देन उसके बाद गाइस आपको डाटा के अंदर चले आना है। देन गाइस इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देन गाइस आपको अपने गेम कॉन्फिग का जो रार फाइल है सिंपली उसको ओपन कर लेनी है। देन गाइस अगर आपके पास गाइस GTA 5 की लेटेस्ट वाली वर्जन है तो गाइस आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है, जो कि है गाइस फिलहाल 1.0.3095। मेरे पास फिलहाल गाइस ओल्डर वर्जन की GTA 5 है, मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूं। अगर गाइस आपको नहीं पता कि आपकी गेम का कौन सा वर्जन है, उसके लिए गाइस आपको मेरी एक वीडियो देख लेनी है, जिसके अंदर कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी GTA 5 का वर्जन कैसे देख सकते हो। तो गाइस उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो गाइस जो मेरी गेम का वर्जन था गाइस वो ये रहा, जो कि है गाइस 1.0.1180.2। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। देन गाइस आपको 1x ट्रैफिक 1x पैट्स का जो फोल्डर है सिंपल उसके अंदर चले आना है। देन इधर गाइस आपको गेम कॉन्फिग मिल जाएगी। देन गाइस आपको डाटा के अंदर भी गेम कॉन्फिग मिल जाएगी, ये रही। सिंपली गाइस अभी आपको गेम कॉन्फिग की जो XML फाइल है सिंपली आपको अपने ओपन आईवी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। तो गाइस अभी जो हमारी गेम कॉन्फिग की फाइल है वो भी हमने इंस्टॉल कर लिया, तो इसको क्लोज कर सकते हो। तो गाइस अभी हमने हमारी GTA 5 के अंदर सभी की सभी बेसिक मोड को इंस्टॉल कर लिया है। अभी गाइस आप अपनी GTA 5 के अंदर गाइस कोई भी मोड को इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मोड को डालना बताऊंगा, जो कि है गाइस हमारे गाड़ी का मोड। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आप अपने GTA 5 के अंदर एक गाड़ी के मोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये गाइस है Lamborghini Sian, जो कि गाइस टेक्नो गेमर की गाड़ी है। तो गाइस सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको गाइस इस मोड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। देन आपको सिंपली गाइस इस रार फाइल को ओपन कर लेना है। देन गाइस आपको इस फोल्डर के अंदर चले आना है। उसके बाद गाइस आपको OIV इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। देन गाइस आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। तो गाइस ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, मैं सिंपली इजी वाली को चूज करूंगा, जो कि गाइस हमारी OIV डायरेक्ट हमारी जो मोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। देन इसके अंदर गाइस हमको मिल जाएगा Sian का OIV फाइल। तो सिंपली गाइस अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो गाइस उसके लिए आपको OpenIV को ओपन कर लेना है, मैंने गाइस पहले से कर रखा है। देन गाइस आपको सिंपली OIV फाइल को अपनी OpenIV के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। देन गाइस आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको अपना मोड्स का जो फोल्डर है सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जो हमारा Lamborghini Sian का मोड था वो हमारी GTA 5 के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। देन आपको इसको क्लोज कर देना है। देन इस रार फाइल को भी गाइस आपको क्लोज कर देना है। तो गाइस अभी जो हमने हमारी GTA 5 के अंदर
अंदर बेसिक मोड को भी इंस्टॉल कर लिया। एक गाइस मैंने आपको गाड़ी पर कहा था वो भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो गाइस अभी हम चलते हैं हमारी ZF5 के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी गाड़ी है वो आप अपनी ZF5 के अंदर कैसे स्पॉन कर सकते हो। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं हमारी ZF5 के अंदर। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारी ZF5 के अंदर। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो बताने वाला हूँ कि जो हमने एक मोड को इंस्टॉल किया है Lamborghini Sian को वो आप अपनी ZF5 के अंदर कैसे स्पॉन कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए पहले तो आपको गाइस दो बार अपने कीबोर्ड पर F8 की को प्रेस कर देना है। देन गाइस आपका जो मेनू ट्रेनर हमने इंस्टॉल किया है वो गाइस ओपन हो जाएगा। देन गाइस उसके बाद आपको व्हीकल ऑप्शन के अंदर चले आना है। देन आपको व्हीकल स्पॉनर के अंदर चले आना है। देन गाइस आपको बिल्कुल नीचे चले आना है। देन गाइस इधर आपको दिख जाएगा इनपुट मॉडल, सिंपली गाइस इस पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। देन गाइस इधर आपको टाइप कर देना है आर मोड Sian। जब गाइस आप इसको टाइप कर दोगे तो गाइस आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारी Lamborghini Sian है वो इधर आ चुके हैं। देख लो गाइस कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। अगर गाइस आपको इसकी लिवरी चेंज करनी है तो गाइस उसके लिए आपको बैक चले आना है। देन आपको गाइस मेनू कस्टम के अंदर चले आना है। उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे चले आना है। देन गाइस इधर आपको नीचे लिवरी दिख जाएगा। देन गाइस राइट हैंड साइड जो एरो होता है सिंपली इसको आपको प्रेस कर देना है तो इसकी जो लिवरी है गाइस वो भी चेंज हो जाएगी। गाइस आप देख सकते हो अगर गाइस आपको ZF5 का वेदर चेंज करना है तो गाइस उसके लिए आपको पहले तो बैक चले आना है। देन गाइस इधर आपको वेदर ऑप्शन के अंदर चले आना है। देन इधर गाइस आप देख सकते हो कितने ज्यादा हमको वेदर ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फिलहाल मैं एक्स्ट्रा सनी पर सेट कर देता हूं। अगर गाइस आपको टाइम को चेंज करना है तो आपको टाइम के ऑप्शन में चले आना है। इधर आप देख सकते हो अपना जो टाइम है वो भी आप गाइस बड़ी ही आसानी से अभी चेंज कर सकते हैं क्योंकि गाइस हमने वन ऑफ द मोस्ट यूज होने वाला ट्रेनर को इंस्टॉल कर लिया जो की है गाइस हमारा मेनू PC ट्रेनर। तो गाइस यही था इस वीडियो के अंदर की आप अपनी ZF5 को कैसे मोड कर सकते हो 2024 के अंदर वो भी बिल्कुल इजीली और आपको कोई भी एरर नहीं देखने वाला है वो गाइस मैंने आपको फिलहाल बता दिया है। तो गाइस आपको कोई टेंशन कोई भी नहीं लेनी है। अगर गाइस आपको लग रहा है कि ये वीडियो लेंथी है तो गाइस कल एक वीडियो आने वाले जिसके अंदर की गाइस मैं एक ही फाइल के अंदर सभी के सभी इन मोड को कंबाइन कर आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा कि आप अपनी ZF5 को कैसे मोड कर सकते हो। तो गाइस आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपको हमारी एक और वीडियो तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।